नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर पटना से। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को जारी नोटिस पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। जदयू भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रखती है। पार्टी के विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि उसी के आधार पर उनके सवाल पूछे गए हैं। पार्टी का अगला कदम इस पर निर्भर करेगा कि आरसीपी सिंह क्या सफाई देते हैं। पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए आरसीपी सिंह ने संपत्ति अर्जित की है, यह जानकारी पार्टी के नेता ने ही दी है। जिस स्तर से भी जांच कराने की जरूरत पड़ी तो जांच होगी, हम उनके जवाब का इंतजार है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह जानकारी किसने दी है इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। आरसीपी सिंह से पूछा गया है, उसके बाद वो जो भी सफाई देंगे उसके बाद ही कुछ कार्रवाई होगी। जिस स्तर से भी जांच करवाने की जरूरत पड़ेगी उसके माध्यम से जांच करवाया जाएगा। यह बात मीडिया में आने के बाद विभिन्न एजेंसियों की नज़र में आ गई है। जो एजेंसी चाहे कर सकती है, वो स्वतंत्र है। देखिए, वो एक अलग सवाल है। यह विषय जिसकी चर्चा अभी आप लोग कर रहे हैं, यह पॉलिटिकल मामला नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वह पॉलिटिकल मामला है, इसलिए दोनों विषय अलग अलग। जिस स्तर से भी जांच कराने की जरूरत होगी जांच कराई जाएगी। पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है इसको तो देख लें। देखिए, कई मामलों में तो आप सब लोगों ने या हम सब लोगों ने देश भर के लोगों ने देखा है कि समय समय पे सुओ मोटो भी लोगों ने संज्ञान लिया है, तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न एजेंसियों की भी नज़र होगी ही। जो कुछ भी जब बात मीडिया में आ गई है तो स्वतंत्र हैं, जो भी एजेंसियां हैं कार्रवाई कर सकती है। और किसी न किसी रूप में जनता के बीच तो साफ साफ क्या बात है वह आना चाहिए। अब उसके लिए जाँच की जरूरत होगी तो जाँच भी होनी चाहिए। आपकी कार्रवाई की अपनी तरफ से क्या बता रहे, नहीं सुन पाया आपका सवाल। पार्टी करवाएगी अपने तरफ से? भाई, पार्टी कोई एजेंसी उस रूप में नहीं होती है ना कि पार्टी जांच कराने का। जो एजेंसी है उसके आधार पे पार्टी की जितनी भूमिका होगी उसमें कोई पार्टी कोताही नहीं करेगी। देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है, अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। क्या आपको लगता है? नहीं, इसलिए हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में। लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी, तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले
उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे।